नमस्कार, आपका स्वागत है। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के अवसर पर पहली बार अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ और विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्रा गुड्डू का विद्यालय प्रबंधन के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना से हुई, जिसके बाद विद्यालय के छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डांडिया, श्री कृष्ण लीला जैसे विभिन्न मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की। विद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने बताया कि इंटर कॉलेज की संगीत प्रवक्ता अनीता यादव ने स्वरचित स्वागत गीत को बच्चियों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया, बहुत ही सराहनीय योग्य। इंटर कॉलेज के सह प्रबंधक विवेक अग्रवाल ने मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव और विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्रा गुड्डू का इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय देने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के अंत में अग्रसेन इंटर कॉलेज और महाविद्यालय में पूरे वर्ष भर विभिन्न आयोजनों, खेलकूद और वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लिए और सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को सांसद निरहुआ ने मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने विशिष्ट अतिथि अखिलेश मिश्रा गुड्डू का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अगर आप मुझे यहाँ नहीं लाते तो शायद मैं इस विद्यालय की छात्राओं और आजमगढ़ में छिपी प्रतिभाओं को नहीं जान पाता। कहा, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। अब से आजमगढ़ में जो भी फिल्में बनेंगी, उन फिल्मों के प्रोड्यूसर को सबसे पहले अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज और महाविद्यालय में भेज यहाँ की छात्राओं के अंदर छुपी प्रतिभा को निखारा जाए और सीएम के आदेशानुसार फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करने का सुनहरा अवसर भी दिया जाएगा। अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने अग्रवाल समाज की सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विद्यालय की सभी छात्राएं, शिक्षिकाएं आदि का धन्यवाद दिया। इस अवसर पर सुदर्शन दास अग्रवाल, अशोक अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, रमेश अग्रवाल, गौरीशंकर अग्रवाल, सुरेश चंद्र अग्रवाल, राजेश अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मैं विवेक अग्रवाल अग्रसेन कॉलेज का सहायक प्रबंधक हूँ और आज का कार्यक्रम जो है महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव जी और विशिष्ट अतिथि में हमारे बड़े भैया गुड्डू मिश्रा जी आए हुए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। उनका उन्होंने हमारे कार्यक्रम को आके हमारे कार्यक्रम को बहुत प्रोत्साहन किया, कार्यक्रम में आके और समझ के इनकी समझ दिया, उसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे अखिलेश मिश्र गुड्डू भैया का, जिन्होंने मुझे यहाँ ला करके और इस कार्यक्रम में इतना शानदार कार्यक्रम देखने का भी अवसर दिया, समझने का भी अवसर दिया और प्रबंधक महोदय का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां आने का अवसर दिया। हम सब ऋणी हैं उन अपने पूर्वजों के, जिन लोगों ने सोचा कि इस आजमगढ़ में इस तरह का विद्यालय बने जहां हमारी बहनों को अच्छी शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जिसको जो भी पीता है वो दहाड़ता है। और आप लोग इतनी अच्छी शिक्षा यहाँ ग्रहण कर रहे हैं, आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा करेंगे। आपके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आने वाले समय में, अभी तो मैंने शुरुआत कर दी है, आजमगढ़ में ही फिल्में बनेंगी, ऐसा हमारे जो पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं उन्होंने मुझे आदेश किया कि आप जो भी फिल्में बनाएं आजमगढ़ में रह के बनाएं, ताकि आजमगढ़ के लोग आपसे मिल सकें। जो भी डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए आजमगढ़ में आते हैं तो उनके जो डायरेक्टर हैं, जो उनके डांस मास्टर हैं, उनको आप इस विद्यालय में भी एक बार जरूर भेजें, ताकि यहाँ की जो हमारी छात्राएं हैं, इतनी इनके अंदर प्रतिभा है, इन्हें भी अवसर मिले।